जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका बहुत प्यारा चैप्टर और देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम क्या है आपका, हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा चैप्टर जो आपको 10 नंबर दिलाकर जाएगा, या आप ये भी कह सकते हो कि आप जो आगे इंस्टॉलमेंट पे डीलिंग करते हैं, या बहुत से बच्चे इंस्टॉलमेंट पे डीलिंग कर चुके होंगे, जैसे आप लोग मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे खरीद लेते हैं, टीवी फ्रिज इंस्टॉलमेंट पे खरीद लेते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने से पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यानी हायर परचेज वाला सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बेटे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार इस पर नजर घुमा लेते हैं और फिर वन बाई वन सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर में तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यह हायर परचेज होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है, साथ ही साथ एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द हायर परचेजर एंड हायर सेलर, ठीक है, हायर परचेजर एंड हायर सेलर। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कई सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट प्राइस, दूसरा होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ द कैश प्राइस, और तीसरा होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ द गुड्स रिपोज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी तब जाके आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये हायर परचेज होता क्या है, जानने का प्रयास करते हैं कि ये हायर परचेज होता क्या है। बेटा जी अभी तक आपने ये जाना है कि भाई एक होता है हमारा सेलर, एक होता है हमारा क्या, सेलर, और एक होता है हमारा क्या, परचेसर। अभी तक आप ये जानते आ रहे हैं कि सर एक होता है हमारा सेलर और एक होता है हमारा क्या, परचेसर। अब जो हमारा सेलर है, सीधी सी बात है, ये अपने गुड्स को दो तरीके से मार्केट में सोल्ड करता है। एक, या तो वो अपने गुड्स को कैश में सोल्ड करे, या फिर वो अपने गुड्स को किस में सोल्ड करे, क्रेडिट में सोल्ड करे। ठीक उसी प्रकार जब हम परचेजर की बात करते हैं तो परचेजर भी अपने गुड्स को इसी तरीके से मार्केट से क्या करता है बेटा, बाय करता है। या तो वो कैश में अपने गुड्स को खरीदेगा, या तो वो क्रेडिट में अपने गुड्स को क्या करेगा, बाय करेगा। अब जब हम हायर परचेज के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए ये जो कैश ट्रांजेक्शन होता है ये आपका क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि हायर परचेज का जन्म ही किससे होता है, आपके क्रेडिट से होता है। आपके किससे होता है, क्रेडिट से होता है। ठीक है बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये सेलर है, अभी मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन से आप हायर परचेज के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये सेलर है, इसका मैंने नाम दे दिया ए, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। अब ए ने क्या किया कि 1,00,000 रुपए का एक मशीन, 1,00,000 रुपए का एक मशीन इसने किसको, बी, इसने किसको सोल्ड कर दिया, बी को सोल्ड कर दिया। ठीक है, किसको सोल्ड किया बेटा, बी को सोल्ड किया। अब 1,00,000 रुपए का मशीन है, ठीक है, कितने रुपए का मशीन है, 1,00,000 का। एक तरीका ये कि भैया बी पूरा का पूरा 1,00,000 दो और लेकर जाओ, लेकिन अब बी के पास 1,00,000 रुपया नहीं है तो बी क्या करे, बी हायर परचेज सिस्टम को फॉलो करा सकता है, और कैसे कराएगा वो समझो ध्यान से, लेकिन इसमें सेलर की भी कंसर्ट होनी जरूरी है, ये भी आप जानिए। कहानी समझिए, बी ने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसा 1,00,000 नहीं है। तो ए ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप मेरे को 20,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दो, अभी आप मेरे को 20,000 रुपया क्या कर दो, डाउन पेमेंट कर दो और सामान लेकर जाओ। तो बी कितना रुपया दे रहा है, 20,000 दे रहा है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर देना तो 80 था, तो क्या 20,000 रुपए में सामान बिक गया, आंसर है नहीं बेटा।
80,000 रुपया अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग बचा है कि नहीं बचा है? जवाब दीजिए। 80,000 रुपया अभी भी आपका क्या बचा है? आउटस्टैंडिंग बचा है। इस आउटस्टैंडिंग को बेटा बी पे करेगा। कौन पे करेगा? बी ए को पे करेगा विथ इंस्टॉलमेंट। कैसे पे करेगा वो बेटा? विथ इंस्टॉलमेंट के माध्यम से वो पे करेगा। ठीक है? नहीं नहीं, किसके माध्यम से पे करेगा? इंस्टॉलमेंट के माध्यम से पे करेगा। कैसे पे करेगा बच्चे? वो इंस्टॉलमेंट के माध्यम से पे करेगा। ध्यान से सुनिए, अब ये इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी इंटरेस्ट के साथ भी हो सकती है और आपके क्या हो सकती है बेटा? बिना इंटरेस्ट के भी हो सकती है, यानी विथ इंटरेस्ट भी हो सकता है और विदाउट क्या हो सकता है? इंटरेस्ट भी हो सकता है। आपने एक नाम सुना होगा इंटरेस्ट फ्री ईएमआई, एक शब्द सुना होगा आपने इंटरेस्ट फ्री ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी मनी इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंटरेस्ट फ्री कर रहे हैं तो इंटरेस्ट फ्री का मतलब है कि सिर्फ आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं तो आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो पे करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उसके साथ आप कुछ इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा। ये जो कुछ इंटरेस्ट है ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि 2% लेना है कि 10% लेना है कि 20% लेना है कि कितना परसेंट लेना है, वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, यानी सेलर और परचेजर के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? बात इतनी समझ में आ रही है? कोई समस्या इसमें? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब यहां पर समझो जरा ध्यान से। ये जो आपका सेलर है, आपका ये जो क्या है बेटा? सेलर है। इस ट्रांजेक्शन की वजह से, इस ट्रांजेक्शन की वजह से अब इसको हम सेलर ना कह के बल्कि क्या कहेंगे? हायर सेलर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? हायर सेलर कहेंगे। और इसी ट्रांजेक्शन की वजह से ये जो हमारा परचेजर है अब इसको हम सिर्फ परचेजर नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? हायर परचेजर कहेंगे। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी हायर सेलर और हायर परचेजर के किताबों में क्या जर्नल एंट्री है ये भी हमको सीखनी है, लेकिन उससे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, जैसे मैंने आपको कहा कि एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एडजस्टमेंट में आपको तीन पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, एक कैलकुलेशन ऑफ द कैश प्राइस, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट, तीसरा है आपका कैलकुलेशन ऑफ द गुड्स रिपोज। वो लास्ट टॉपिक है, वो आपका क्या है? लास्ट टॉपिक है। लेकिन अभी जो पहली प्रायोरिटी है वो है हमारी क्या? कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट प्राइस। सर थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे क्या आप? बेटा थ्योरी आपको आखिरी में पढ़ाएंगे, पहले हम सारा प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन कवर हो जाएगा बीच बीच में आपकी थ्योरी भी हम क्या कराते रहेंगे? कवर कराते रहेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी पार्टी इन्वॉल्व इन द हायर परचेज सिस्टम, तो आपके पास आंसर है सर देयर इज द टू पार्टी, वन इज द हायर परचेजर एंड सेकेंड वन इज द हायर सेलर। बात समझ में आ गई बेटा? तो सबसे पहले आपको हेडिंग अभी क्या डालनी है, वो हेडिंग आपको लिखनी है बेटा कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट प्राइस। और जब हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राइस की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए बेटा, आपको दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा या दो तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला केस क्या है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, जिसमें इंटरेस्ट का रेट ऑफ क्या दिया रहेगा? गिवन रहेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ गिवन। और दूसरा केस तो और खतरनाक जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं रहेगा। अब सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी क्या है? अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ पॉइंट है इसको आप लोगों को नोट करते रहना है। जैसे जो आपका इंटरेस्ट होता है बेटा, जो आपका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग
प्रिंसिपल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। ध्यान से सुनिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे आपने क्या किया कि 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा, अगर हम परचेजर के पॉइंट पे चलते हैं, सेलर का अभी 2 मिनट के लिए रोक देंगे, हमने सामान कितने का खरीदा, 1,00,000 का। लेकिन इस 1,00,000 में से बेटा ऑलरेडी मैं 20,000 पे कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं 20,000 पे कर चुका हूं, तो जो हम इंस्टेंट पेमेंट करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो हम तुरंत भुगतान करते हैं उसको क्या कहा जाता है, डाउन पेमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, डाउन पेमेंट कहा जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इंस्टेंट पेमेंट मींस डाउन पेमेंट। तो आपने 20,000 पे कर दिया तो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बचा, 80,000। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी बच्चे वो किस पे होगी, आपके 80,000 पर ही होगी। जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो आपके किस पे होगी, 80,000 पे होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और समझो। अब जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन में रेट दे रखा है 10%, क्वेश्चन में आपको रेट कितना दे रखा है, 10% पर एनम दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहता था कि 80,000 को आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप क्या करेंगे बेटा, पे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये जो 80,000 है इसको हमें देना कैसे है, विथ 10% इंटरेस्ट, विथ 10% इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। तो 80,000 का जरा 4 भाग करो, क्या करेंगे, 4 भाग करने के लिए डिवाइड कर देंगे 4 से। तो पहला भाग हमारे कितने रुपए का आ गया, 20,000 का, प्लस 10% इंटरेस्ट। दूसरा भाग 20,000 प्लस 10% इंटरेस्ट। तीसरा भाग 20,000 प्लस 10% इंटरेस्ट। और चौथा भाग आपका 20,000 प्लस 10% इंटरेस्ट। अब 99% बच्चे गलती क्या करते हैं ये देखो, 99% बच्चे गलती करते हैं कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो 20,000 पे निकाल देते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा 20,000 प्लस 10% इंटरेस्ट, तो उनके दिमाग में आएगा कि 20,000 प्लस 10% यानी 22,000, 20,000 प्लस 10% यानी 22,000, जबकि ऐसा नहीं करना है। मैंने पहली ही लाइन लिखाई कि इंटरेस्ट इज अ कैलकुलेटेड ऑलवेज आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। शब्द क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। बात समझ में आ रही है। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट क्या है सर, या इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर, तो इसके लिए आपको एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा मुन्ना बॉक्स बनाना है। और ये नन्हा मुन्ना बॉक्स उतना ही रहेगा, उतना ही बड़ा रहेगा जितना आपके किस्त का लिमिट है, यानी 4 है तो सिर्फ 4 साल का ही आपको बनाना है। कैसे, आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। मैं यहां पे पीए लिख दे रहा हूं, पीए मतलब समझ जाओगे ना, नहीं कोनो भरोसा नहीं तुम लोगों का। हाँ देखो, ठीक है चलो, अच्छी बात है, अच्छा है आप लोगों ने पर एनम बोला। अभी साइंस वाले बच्चों से पूछो पीए मतलब क्या होता है, ठीक है। आओ देखो, तो आउट क्या हो गया आपका बेटा, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पहला कॉलम बन गया आप लोगों का, मेरे साथ बनाते रहिए, बनाते रहिए। दूसरा कॉलम आपको बनाना है रेट का, दूसरा कॉलम आपको बनाना है किसका बेटे, रेट का। तीसरा कॉलम आपको बनाना है वर्किंग का, और लास्ट कॉलम आपको बनाना है नहीं नहीं लास्ट कॉलम बनाना है आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट का।
लास्ट कॉलम किसका बनाना है बेटा? इंस्टॉलमेंट का। बताइए ये चार कॉलम समझ में आ गए कि नहीं आ गए? ये चार कॉलम समझ में आ गए? आगे देखिए बेटे, क्या करेंगे सबसे पहले? अब बताइए मुझे, पहले साल का आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 1 लाख में से 20,000 का पेमेंट किया तो बैलेंस कितना बचा? तो यानी रेट कितना है आपका? 10%। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा? और ये वर्किंग किसका है? वर्किंग फॉर इंटरेस्ट अमाउंट, वर्किंग फॉर इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है बेटा, कितना आएगा? 80,000, 10/100 और यहां पे 12/12। सर ये 12/12 क्यों किया आपने? अरे 12 महीने का है इसलिए, अगर 3 महीने का होता तो क्या करते? 4 महीने का होता तो बस। आंसर कितना आ गया? 8,000। ये देखिए अब आपका इंस्टॉलमेंट कितना होगा ये बताइए। 20,000 तो देना ही देना था, प्लस 10%, 10% और 10% कितना आ गया? 8,000। यानी सर 20,000 प्लस 8,000 टोटल हमें पहली किस्त देनी है कितने रुपए की? 28,000 रुपए की। बताओ पहला साल समझ में आया कि नहीं आया? पहला साल समझ में आ गया। अब दूसरा साल देखिए, अब दूसरा साल तो और इजी है। कैसी बात कर रहे हो सर? प्रिंसिपल से प्रिंसिपल घटाओ, प्रिंसिपल से क्या करो? यानी अगर आपको नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग पता करनी है, आपको क्या पता करनी है? नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग पता करनी है तो आपको प्रिंसिपल से क्या घटाना पड़ेगा? प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितने था, कितना था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, और पहले इंस्टॉलमेंट में आपने कितना रुपया प्रिंसिपल का दिया है? कितना रुपया आपने प्रिंसिपल का दिया है? तो बेटा प्रिंसिपल से प्रिंसिपल घट गया, बैलेंस कितना आ गया? रेट कितना है? इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा? 20 तो फिक्स है, 20 तो क्या है सर? फिक्स है, प्लस 6,000 और करेंगे, आंसर कितना आ गया? 26,000 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक, बेटा समझ में आ गया। अब तीसरा साल और चौथा साल करें। आइए आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा क्या था हमारा? रेट, फिर हमारा वर्किंग, और फिर आपका क्या? इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? छुपा रहता है। ठीक है बेटा, अगर किसी ने पूछा इंस्टॉलमेंट में क्या क्या शामिल है तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। चलिए तीसरे साल का आउटस्टैंडिंग बताइए। अब दूसरे साल का पहले आप आउटस्टैंडिंग बताइए मुझे। 60,000 कितना था आपका? 60,000। अब इस 60,000 में से आपने दूसरे साल कितना प्रिंसिपल पे किया था? 20,000 तो पे किया था, तो बैलेंस कितना आ गया बेटा? 40,000। तो रेट कितना है? 10। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? यानी 40,000 10/100 × 12/12 कितना आ गया बेटा? 4,000। तो इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा? 20,000 प्लस 4,000 टोटल कितना आ गया? 24,000। बताओ क्लियर है बेटा, कोई समस्या? चलिए चौथा साल। अब फिर से तीसरे साल का आउटस्टैंडिंग कितना था बिगनिंग का? तो लास्ट में कितना पे किया? 20,000। बैलेंस कितना? 20,000। रेट कितना? 10। तो इंटरेस्ट कितना?
2000 आ जाएगा ना, तो 20,000 प्लस 2000 टोटल कितना हो गया, 22,000। बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, आप लोगों ने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट का। अब इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई, पहला क्या व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ गिवन, और दूसरा क्या व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ गिवन, इसमें भी दो केस हैं। पहला केस क्या है, व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट, व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट इज नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट। शब्द समझिए फिर क्वेश्चन समझेंगे। इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट अमाउंट नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट। अगर हम इस केस की बात करें तो जो आप 20,000 रुपया दे रहे हैं, क्या आप इसमें 20,000 में इंटरेस्ट जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? आंसर है नहीं जुड़ा है सर, आंसर है नहीं जुड़ा है सर। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि जिसमें आपको रेट भी दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी क्या किया रहेगा, दिया रहेगा। इंस्टॉलमेंट में क्या रहेगा, इंटरेस्ट पहले से ही जुड़कर दिया रहेगा। तो अगर आप उसमें दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगे, तब तो बेटा राम है भला करें, तुम्हारा खेला हो जाएगा। तो सर बचें कैसे, आप तो अकाउंटिंग गुरु हैं, बताइए। तो बेटा समझिए जरा ध्यान से, एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। उस फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट छुपा है या नहीं छुपा है। और अगर फॉर्मूला समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है बेटा। आइए देखें, अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले कर चुके हैं, दोबारा करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो इतना ज्यादा नहीं खुश होना, उनके लिए सब्सक्राइब कट जाएगा, खाली लाइक और शेयर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं बेटा, आपको सबसे पहले एच पी पी जानना होगा। अब आप कहोगे सर एच पी पी क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा हायर परचेज प्राइस। और हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। और अगर जर्नल परसेप्शन की अगर हम बात करें तो इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन ये फॉर्मूला लगाते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो एचपीपी है, ये जो आपका क्या है एचपीपी है, ये कितना आएगा। अब समझो, ये पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट है आपका इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट सर इसका भी फॉर्मूला है, हाँ है, लेकिन ये टोटल इंटरेस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला है, किसी भी सिंगल इंस्टॉलमेंट का नहीं है। सिंगल इंस्टॉलमेंट के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ये जो फॉर्मूला है, क्या कहा है भाई, ये जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये किसका है, टोटल इंटरेस्ट का है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एच पी पी माइनस कैश प्राइस, ठीक है, माइनस कैश प्राइस। जर्नली कैश प्राइस आपको दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेशन करना हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। मतलब इन तीन में से दो चीज आपको दी रहेगी, और अगर नहीं भी दी है तो हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ये आप जानिए। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई। अब एग्जांपल से समझो, आपने 1,00,000 रुपए का खरीदा था, आपने कितने का खरीदा था, 1,00,000 का खरीदा था, आपने 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया। सेलर कहता है कि आप हमें
23,000 रुपए की 4 किस्तों में भुगतान करिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? सेलर कह रहा है कि आप 23,000 की 4 किस्तों में हमको क्या करिएगा, भुगतान करिएगा। तो यानी परचेजर टोटल कितना रुपया पे करेगा या सेलर कितना टोटल रुपया प्राप्त करेगा। भाई टोटल प्राप्त करना ही आपका एचपीपी कहलाता है। टोटल प्राप्त करना आपका क्या कहलाता है? एचपीपी कहलाता है। जैसे अगर हम इस केस को उठाएं तो इस केस में डाउन पेमेंट कितना है और ऑल इंस्टॉलमेंट यानी 23,000 × 4, 23,000 × क्या आपका 4000, यहां पे कितना हो गया 12, हाथ गया 1 4 1, कितना आ गया 92 प्लस क्या आपका 20,000 प्लस क्या आपका 20,000, टोटल कितना हो गया बेटा आपका 1,12,000, 1,12,000। अगर आप कैश पेमेंट करते तो आपको कितना रुपया देना पड़ता बेटा, लेकिन आपने हायर परचेज सिस्टम फॉलो किया तो आपको कितना रुपया देना पड़ रहा है, 1,12,000 आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। यानी हमको 1,12,000 पेमेंट करना पड़ रहा है कितने के बदले, 1,00,000 के बदले। इसका मतलब कि सर हम 12,000 किसका पे कर रहे हैं, हम 12,000 किसका पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी आप कंफ्यूजन में जाएं तो सबसे पहले आप ये पता कर लें कि ये जो आपका इंस्टॉलमेंट आपको दिया है ये इंटरेस्ट के साथ है या विदाउट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ है या फिर आपका क्या है विदाउट इंटरेस्ट है। बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा आपने कितने फॉर्मूले सीखे, आपने 2 फॉर्मूले सीखे, एक आपने एचपीपी का फॉर्मूला देखा, एक आपने किसका फॉर्मूला देखा। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जरा बताओ बेटा कैश प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप इतनी देर से ईमानदारी से देख रहे हो तो आपको आंसर पता होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, एचपीपी माइनस इंटरेस्ट अमाउंट, एचपीपी माइनस क्या आपका इंटरेस्ट अमाउंट। बताओ बेटा समझ में आ गया, ये 3 फॉर्मूले नोट हो गए हैं, ठीक है ये 3 फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा चलें आगे। चलिए फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कई सारे टॉपिक क्या करेंगे बेटा कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जय भोलेनाथ।